हेलो एवरीवन, सरवाग एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम डेली करंट अफेयर्स में 27 अप्रैल 2022 की करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हु वन द टाइटल ऑफ एमिलिया रोमैग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2022। एमिलिया रोमैग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता? द राइट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ, मैक्स वर्स्टापेन। मैक्स वर्स्टापेन ने एमिलिया रोमैग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता। हम आपको बता दें कि मैक्स वर्स्टापेन रेड बुल के ड्राइवर हैं और यह उनकी इस सीजन की दूसरी जीत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली अनाउंस टू सेलिब्रेट 18 दिसंबर एवरी ईयर एज माइनॉरिटी राइट्स डे। हाल ही में प्रतिवर्ष 18 दिसंबर को किस राज्य ने अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड, तमिलनाडु राज्य सरकार ने प्रतिवर्ष 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने की घोषणा की है। हम आपको बता दें कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अल्पसंख्यक छात्राओं को अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए मदद करना है तथा इसमें कक्षा 3 से कक्षा 5 तक के छात्राओं को 500 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी तथा कक्षा 6 की छात्राओं को 1000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। अब तमिलनाडु की बात है तो तमिलनाडु के बारे में जानते हैं। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है, वहाँ के CM M.K. Stalin हैं, वहाँ के गवर्नर RN Ravi हैं और वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज तमिल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, When is World Property Intellectual Day celebrated? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? The right answer is option second, 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2000 में हुई थी तथा वर्ष 2022 का थीम इसका है Intellectual Property and Youth Innovating for Better Future। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री सेट अ गिनीज रिकॉर्ड फॉर होस्टिंग द मोस्ट फ्लैग्स। हाल ही में किस देश ने सर्वाधिक झंडे फहराने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, इंडिया ने यानी कि भारत ने सर्वाधिक झंडे फहराने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। भारत ने बिहार के जगदीशपुर में गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में 78,220 कितने 78220 78,220 तिरंगा फहराया गया। यह कार्यक्रम राजा वीर कुंवर सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेन इज इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव डे सेलिब्रेटेड, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस कब मनाया जाता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, 25 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What is the theme of World Immunization Week celebrated by WHO from 20 to 30 April? WHO के द्वारा 24 से 30 अप्रैल तक मनाया जा रहा विश्व टीकाकरण सप्ताह का थीम क्या है? The right answer is option first, Long Life for All। WHO के द्वारा मनाया जा रहा 24 से 30 अप्रैल तक का यह टीकाकरण सप्ताह का थीम है Long Life for All। अब WHO के द्वारा ये मनाया जा रहा है तो WHO के बारे में जानते हैं। WHO stands for World Health Organization। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। हम आपको बता दें 7 अप्रैल को ही अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित हैं और इसके मेंबर कंट्री टोटल 164 यानी कि 164 हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, दीपक पुनिया इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। दीपक पुनिया का संबंध किस खेल से है? द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, रेसलिंग। दीपक पुनिया का संबंध कुश्ती से है। हम आपको बता दें हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 86 किलोग्राम में दीपक पुनिया ने रजत पदक जीता और भारत ने एशियाई कुश्ती चैंपियन में टोटल 17 पदक जीते जिसमें कि 1 गोल्ड 5 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज मेडल है। और जो गोल्ड मेडल जीता है, अब 1 गोल्ड आया है तो किसने 1 गोल्ड जीता है? 1 गोल्ड जीता है रवि कुमार दहिया ने जो कि कुश्ती चैंपियनशिप एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में एकमात्र गोल्ड है किसके द्वारा जीता गया? रवि कुमार दहिया के द्वारा। और यह एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन
उलान बटोर मंगोलिया में किया जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री क्लोज्ड इट्स एयर स्पेस फॉर रशियन सिविल एंड मिलिट्री फ्लाइट्स बिटवीन रसिया एंड सीरिया। हाल ही में किस देश ने रूस और सीरिया के बीच रूसी नागरिक और सैन्य उड़ानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया? द राइट आंसर इज, इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तुर्की। तुर्की ने रूस और सीरिया के बीच रूसी नागरिक और सैन्य उड़ानों को लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया। अब तुर्की ने बंद किया है तो तुर्की के बारे में जानते हैं। तुर्की की कैपिटल अंकारा है, वहाँ के प्रेसिडेंट रेसप तैयब एर्डोगन हैं और वहाँ की करेंसी लीवा है और वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज तुर्की से। तो आज की क्लास में हम इतना रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो। और इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप तथा व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पे मिल जाएगी। अगर आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में कल के करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।